हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे मंदिर जाना है। आप मुझे बताओ मेरा ये ट्रेडिशनल आउटफिट कैसा लग रहा है। मैं और मेरी फ्रेंड तैयार हो गए थे मंदिर के लिए। एक्चुअली पहला जो प्लान था वो था बिरला टेम्पल के लिए, बट इट गॉट कैंसल्ड। क्योंकि पहला जो रीज़न है वो है कि हम लोग बहुत लेट हो गए थे, एंड सेकेंडली कि ये मेरे प्लेस से बहुत ज़्यादा दूर था, लाइक अराउंड 30 किलोमीटर, तो इसके लिए कैंसिल हो गया था बिरला टेम्पल। तो इसलिए हम फिर सोचे कि चलो ऐसा कोई जगह चलता है कि जो पास हो। देन वी वेंट टू टेम्पल विच वॉज अराउंड 5 किलोमीटर फ्रॉम माई प्लेस। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए मंदिर, और स्ट्रेट जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ये साईं बाबा का मंदिर है। एंड मेरे बैकग्राउंड में जो व्यू है ये पूरा टेंपल का व्यू है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीटी था। इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड बहुत एकदम मतलब पीस वाला फील हो रहे थे उस टाइम। वहाँ पे आरती भी हुआ था, प्रसाद भी मिला था, एंड बहुत सारे भगवान भी एक साथ था, लाइक हनुमान जी, शिव जी, गणेश जी, देन साईं बाबा। फिर हम लोग वहाँ पे कुछ टाइम तक बैठे थे, देन प्रसाद लिए, देन आरती अटेंड किया। सब कुछ ख़त्म करके हम लोग निकल पड़े दुर्गम चिड़ुओं के लिए, जो कि एकदम रैंडम प्लान था क्योंकि वहाँ का नाइट व्यू बहुत अच्छा है। तो मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी कि चलो चलते हैं वहाँ पे, तो वहीं अब निकल गए दुर्गम चिड़ुओं के लिए, जो कि एक ब्रिज है, बहुत सुंदर ब्रिज है। हाईटेक सिटी का जो नाइट व्यू था ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सीरियसली बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू था हाईटेक सिटी का उस टाइम। ये जो बिल्डिंग का जो वीडियो है ये मैंने रैंडमली लिया था, मतलब मुझे पता नहीं था, फिर बाद में पता चला कि मेरे दादा जिस कंपनी में काम करते हैं ना वो इसी बिल्डिंग में है, विच इज़ सो प्रीटी। हियर इज़ आइकिया, जो कि आप लोगों को पता ही होगा आइकिया के बारे में, विच इज़ सो फेमस इन हैदराबाद। फाइनली हम लोग पहुंच गए दुर्गम चिड़ुओं, जो कि आपको दिखाई ही दे रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये जो लाइटिंग है ना ये चेंज होते रहते हैं, उस दिन ब्लू था, हमेशा चेंज होते रहते हैं वो लाइटिंग। एंड उसके पास एक वॉकिंग एरिया भी है जहाँ से मैं और मेरी फ्रेंड गई थी, एंड इट वॉज रियली ब्यूटिफुल। वहाँ से पूरा नाइट व्यू जो है ना, लेक व्यू जो है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये
ब्रिज से जो नाइट व्यू है ना आपको दिखाई ही दे रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और नीचे एक लेक है जहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होते हैं, बट रात हो गए थे उस टाइम, तो उस टाइम तो नहीं हो रहे थे, लेकिन शाम को या सुबह होते हैं वहाँ पे बोटिंग। पता है ये हैंडल पे जो लोग बैठे हैं, इट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल, वहाँ पे कोई व्हीकल रोकना या वहाँ पे हैंडल पे बैठना, इट इज़ नॉट अलाउड। पुलिस भी वार्न करते रहते हैं वहाँ पे, बट आई डोंट थिंक सो यू शुड डू दिस, क्योंकि बहुत रिस्की हो जाते हैं। और ये हूँ मैं, जो कि आपको पता ही है इतना अंधेरा था, आप मतलब दिखाई ही नहीं दे रहे थे उस टाइम। फिर हम लोग आइसक्रीम खाते खाते वापस घर जा रहे हैं, एंड व्यू वाज ऑसम। दिस इज अबाउट नेक्स्ट डे लंच टाइम, जो कि मेरी फ्रेंड रसम बना रही थी और मैं फ़िश फ्राई बनाई थी, जो कि कातला फिश था। मेरी फ्रेंड का जो रसम है ना, ये सबको बहुत पसंद है, इसलिए वो हमेशा रसम बनाती रहती है। फिर शाम का उतना कुछ खास नहीं था, नॉर्मल खाना पीना, ऑफिस का काम करना। तो काम वाम ख़त्म करके फिर हम लोग सोच रहे थे कि चलो चारमीनार चलते हैं, क्योंकि चारमीनार सुबह या दोपहर को ना बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है, बहुत भीड़ रहते हैं, तो इसलिए हम लोग सोचे चलो अभी चलते हैं तो पार्क मतलब खाली मिलेगा वहाँ पर। तो इसलिए खाना वाना खा के फिर हम लोग निकल गए चारमीनार, जो कि अच्छा एक्सपीरियंस था। मौसम भी बढ़िया था, बारिश भी हो रही थी उस टाइम। सब सही था, बट लाइटिंग नहीं था जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब इतनी रात को लाइटिंग वो लोग भी क्या देगा, बट इट्स फाइन, मतलब एक्सपीरियंस वाज गुड। अब इतने अच्छे मौसम में चाय ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए हम लोग आ गए मटका वाला गर्मा गर्म चाय के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फिर सब कुछ ख़त्म करके हम लोग वापस जा रहे थे घर। सो आज के व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ यू लाइक दिस व्लॉग देन प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन गुड बाय।